टमी टक सर्जरी, टमी टक सर्जरी का कॉस्ट क्या आता है, टमी टक सर्जरी क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है, इसीलिए हमारे बहुत सारी इंक्वायरीज आती है जो ये पूछते हैं कि सर इसका कॉस्ट क्या होगा, ये कौन आइडियल कैंडिडेट होता है कराने के लिए। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर अर्थशा, मैं एनसीएच प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, डायरेक्टर ऑफ रिजोवा एस्थेटिक कॉस्मेटिक क्लिनिक इन अहमदाबाद। दोस्तों टमी टक मतलब, टमी मतलब जो आपका पेट का हिस्सा होता है, एंड टक मतलब उसको छोटा करना। बेसिकली क्या होता है कि या आपका वेट बढ़ा या प्रेगनेंसी के बाद मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को स्किन स्ट्रेच होती है, जब स्किन वापस रीड्रैप होती है तब स्किन हैंगिंग रहती है, स्किन लूज रहती है, या कई बार अपनी लाइफस्टाइल के कारण, ज्यादा खाने के कारण या हेरिडिटरी रीजन के कारण स्किन जो टमी की होती है वो ज्यादा होती है। और फैट के साथ दो टाइप के फैट होता है, एक पेरिफेरल फैट होता है मतलब स्किन के नीचे का फैट होता है, और एक दूसरा विसरल फैट होता है। विसरल मतलब क्या होता है कि विसरल जो अंदर इंटेस्टिनल ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर का जो फैट होता है उसको विसरल फैट बोलते हैं। अभी थोड़ा एनाटॉमी में बात करें टेक्निकल टर्म में, तो स्किन होता है, फिर फैट होता है, फिर मसल के लेयर्स होते हैं, और उसके बाद पेरिटोनियम होके उसके अंदर ये जो होता है वो इंटेस्टिनल ऑर्गन्स मतलब अपने आंतड़े जो हिंदी में बोलते हैं, आंत बोलते हैं, वो होते हैं। ये टमी टक जो है वो खाली स्किन और फैट का ही ऑपरेशन है, और थोड़ा मसल टाइटनिंग करते हैं, इसको अंदर के कोई ऑर्गन से कोई लेना देना होता नहीं है। टमी टक करने के लिए फर्स्ट प्रीरिक्वेस्ट जो होनी चाहिए कि पेशेंट का प्रेगनेंसी खत्म हो जाना चाहिए, वरना क्या होता है कि उसके बाद भी उसका स्किन स्ट्रेच होने का चांसेस रहता है, तो वो फिर से वो करना पड़ता है। तो बेटर है कि उसका प्रेगनेंसी खत्म हो जाए, वो मम्मी मेकओवर करवाना चाहती है या टमी टक करवाना चाहती है, तो शी इज आइडियल कैंडिडेट। टमी टक के लिए हम लोग पहले लाइपोसक्शन करते हैं, पेशेंट को पहले फिट है कि नहीं है, ब्लड रिपोर्ट्स क्या है पेशेंट के, पेशेंट मेडिकली फिट है कि नहीं है, पेशेंट का सोनोग्राफी करके भी देखते हैं, कई बार इनविजिबल हर्निया जो उसको गुजराती में सारणगांठ या हर्निया बोलते हैं वो हो सकता है, तो वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि उसको हर्निया नहीं है, क्योंकि लाइपोसक्शन एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, उसके पहले एक सोनोग्राफी करना मस्ट होता है, उसका ब्लीडिंग प्रोफाइल क्या है, उसका थायराइड रिपोर्ट्स क्या है, तो रूटीन जो है वो एक फिजिशियन फिटनेस लेके हम देखते हैं कि उसको कोई हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिजिशियन फिटनेस के बाद सोनोग्राफी के बाद वी आर श्योर कि वी आर नॉट गोइंग टू हार्म पेशेंट मोर, राइट। अभी इसमें क्या करते हैं, हम पहले लाइपोसक्शन करते हैं जिसमें पेशेंट का जो ये एंगल होता है, तो ये एंगल में शेप देते हैं, पेशेंट का एक्सेस अमाउंट का जो फैट होता है वो निकालते हैं स्पेशल टाइप का फ्लूइड डाल के, फिर हम लोग टमी में नीचे इंसिजन रख के मतलब जो बिकनी लाइन के 7 या 8 सेंटीमीटर ऊपर इंसिजन रख के हम लोग वहां पे इंसिजन लेते हैं, एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ स्किन है वो फैट के साथ निकालते हैं, और अम्बिलिकस जो होता है उसको ऊपर क्रिएट करते हैं। अभी ये जो प्रोसीजर है ये जनरली पेशेंट को एक दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, हम लोग कई बार ड्रेन डालते हैं जिससे 3-4 दिन अंदर कुछ भरा हुआ फ्लूइड का होता है वो बाहर निकलता है, तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने के चांस नहीं रहते हैं, और टिल डेट कोई पेशेंट को कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, बिकॉज वी मेक श्योर कि ये सब चीजों में हम पेशेंट को ज्यादा तकलीफ ना दें। तो टमी टक में ये सब चीजें जाननी जरूरी है, पेशेंट को कोई मेडिकल एलर्जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट को 3-4-5 दिन थोड़ा पेन रहता है और उसके बाद पेशेंट रिज्यूम कर सकता है उसकी रूटीन एक्टिविटी, और 3-4 वीक के बाद पेशेंट जिम ज्वाइन कर सकता है। अभी ये दो तरीके से करते हैं, एक क्लिनिक्स में होता है, एक बड़ी हॉस्पिटल में होता है। तो पेशेंट मेडिकली फिट होता है तो हम क्लिनिक में भी करते हैं, पेशेंट को अफोर्डेबिलिटी इश्यू होता है, एंड पेशेंट अगर चाहता है कि नहीं मेरे को बड़ी हॉस्पिटल में करना है तो हम वहां पे भी कर सकते हैं, पर ओनली प्रॉब्लम वहां पे थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है। अभी कॉस्ट में क्या क्या होता है, तो हम एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर को बुलाते हैं, ये 4 से 5 घंटे की सर्जरी है, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर को बुलाते हैं, एनेस्थेसिया की दवाइयों का चार्ज होता है, आपका रहने का चार्ज होता है, सूचर मटेरियल का चार्ज होता है, आपका फॉलोअप का चार्ज होता है, ड्रेसिंग का चार्ज होता है, आपका ऑपरेशन जो करते हैं डॉक्टर उसका चार्ज होता है, तो ये सब मिला के करीबन इंडिया में इसका चार्ज रहता है 90,000 या 1 लाख रुपीज से 3 से 4 लाख तक इसका कॉस्ट रहता है। तो वेरिएबल रहता है कौन डॉक्टर कर रहे हैं, कौन सी हॉस्पिटल में कर रहे हैं, क्या पेशेंट्स हैं, तो इस तरीके से लोग वेरिएबल चार्ज लेते हैं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको आइडिया रहे कि बेसिक इसका कॉस्ट क्या होता है, एंड आप डिसाइड कर सको कि भाई डॉक्टर क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका क्लिनिक कैसा है, वो कौन सी चीजें यूज करता है, और आपको कितना कंफर्टेबल है वो पैसा। यहाँ पे हम लोग ईएमआई ऑप्शंस में भी करते हैं, जैसे बजाज फिनसर्व होता है, एचडीएफसी होता है, तो क्या है आपको एक साथ पैसे नहीं देने पड़ते, मंथली आपको 9-10,000 रुपीज का ईएमआई में भी ये सर्जरी पॉसिबल है,
तो ये सर्जरीज जो है वो खाली एक हाई क्लास पीपल के लिए लिमिटेड नहीं है, कोई भी मिडिल क्लास जो बंदा है वो अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि कई बार क्या है कि पेशेंट जो होते हैं वो सारीज पहनते हैं तो नीचे ये टमी लूज दिखता है, कई बार कपड़े में बाहर से दिखता है, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल का होता है इस टाइप का टमी दिखता है, तो ये सब चीजें पेशेंट्स को बॉदर बहुत करती है। कई बार बहुत आप वेट लूज करते हो, जैसे 30 40 50 किलो वेट लूज किया तो उसके बाद भी ये जो स्किन है वो हैंगिंग हो जाती है, उसको भी आपको निकालना पड़ता है। तो हम लोग पोस्ट बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी ये सर्जरीज करते हैं जिससे पेशेंट को हम जितना हो सके उतना हेल्प करें और टाइट दिखने में, क्योंकि अभी कपड़े की साइज भी कम हो रही है। तो पहले जो लोग सलवार पैजामा पहनते थे उसकी जगह पे अभी शॉर्ट टी शर्ट्स आ रही है इंडिया में, तो उसके कारण भी पीपल आर नॉट फीलिंग गुड के उसकी टमी की स्किन हैंगिंग दिखती है। तो आपको ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन है तो अच्छे से कोई भी प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाइए, ये रूटीनली कर रहे हैं, उनका क्रेडेंशियल देखिए कि वो क्या क्वालिफाइड है और वो क्या कर सकते हैं और कितना जेन्युइनली बोल रहे हैं, कितना जेन्युइनली कर रहे हैं, तो आपको भी सहायता होगी और आपकी तकलीफ दूर करने का वो डॉक्टर ट्राई करेंगे। पर इसका डाउन टाइम 10 to 15 days है, वो मान के चलिएगा कि भाई आपको ऐसा ना हो कि भाई टमी टक करवाए और 2 दिन के बाद आपके घर में शादी है या कोई 4 दिन के बाद बड़ी सी मीटिंग है, ऐसा मत कीजिएगा। बीच में थोड़ा गैप रखिएगा जिससे आप भी कंफर्टेबल रहो, डॉक्टर भी कंफर्टेबल रहे, छोटा मोटा कुछ वुंड कॉम्प्लिकेशन हुआ कुछ हुआ तो आप मैनेज कर सको। तो ऑन एन एवरेज वो मैं बताऊं आपको जस्ट कंपैरिजन करके कि इसका डाउन टाइम इज इक्वल टू सीजेरियन सेक्शन को। सीजेरियन सेक्शन आप घर में बहुत सारे का देखा हुआ होगा कि भाई ऑपरेशन जो बच्चे का करवाते हैं तो सीजेरियन सेक्शन में जितना पेन या डाउन टाइम होता है उतना ही ऑलमोस्ट पेन या डाउन टाइम पेशेंट को टमी टक सर्जरी में होता है। आपको ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन है तो हमारा नंबर है 7436000, हमारी पूरी टीम आपको हेल्प करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।